अस्सलाम वालेकुम जी। एक बहन ने सवाल किया है कि जो हम सामान लेके जाते हैं तो उसको रैप हमने घर पे करना है या एयरपोर्ट पे करवाना है? जो सामान आपने लेके जाना है उसको रैप आप घर करके जाएं, आपके लिए इजी होगा और दूसरी बात है सस्ता भी होगा। एयरपोर्ट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके लिए परेशानी हो सकती है। वो इस तरह हो सकती है, एक तो वो महंगा करेंगे, दूसरा वहाँ पर रश बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो कोशिश करें आप सामान अपना घर से रैप करके जाएं मुकम्मल। एयरपोर्ट पे खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होता है कि वो ना कहते हैं कि सामान खोलें, तो वो रैपिंग वगैरह काट के फिर खोल देते हैं, उसके बाद फिर आपको रैप करवाना पड़ता है, लेकिन वो सबके साथ नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है। तो आपने रैप बैर कैफ घर से करके लेके जाना है, वहाँ से रैप नहीं करवाना, नंबर वन। नंबर टू ये कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे मक्का मुकरमा में, कोशिश करें वो जो रैप करने वाला एक रोलर मिलता है वो यहीं से लेके जाएं। यहाँ से आपको 200-300 का मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ जाके आपको रियालों में लेना पड़ेगा, तो यहाँ से आप साथ लेके जाएं। बिलफर्ज आप नहीं भी लेके गए तो वो 4-5 रियाल का आपको हर शॉप के बाहर वो बहुत सारे पड़े होते हैं, वो आप ख़रीद लें। तो वहाँ भी आपने बिलफर्ज आपकी जद्दा से लाहौर की फ़्लाइट है तो आपने वहाँ से ही लेके अपना सामान वापसी पर भी खुद रैप करके जद्दा एयरपोर्ट पर आना है, क्योंकि जद्दा एयरपोर्ट पर मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर लोग सामान रैप करके नहीं लाते, वहाँ पर फिर वो मशीन से रैप करवा रहे होते हैं और वहाँ पे वो 35-40 रियाल जो है ना वो उनसे ले रहे होते हैं, बल्कि इनसे इससे भी ज़्यादा समटाइम डिमांड कर रहे होते हैं। अब क्या रेट है मुझे नहीं मालूम है, अब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो वहाँ पे इतना महंगा है आपका, मतलब पाकिस्तानी अमाउंट में आप 50 रियाल भी करें उनको जो अभी है रेट, उसके से कैलकुलेशन करें कितने बनते हैं, तो आपका 3-4-5 हज़ार का सिर्फ वो रोल होना है जो आपका 4 रियाल में हो जाना था। तो आप अपने कमरे से कर, दूसरी बात है वहाँ एयरपोर्ट पर रश बड़ा होता है। आप फ़र्ज़ करें एयरपोर्ट पे पहुँचें, आपकी फ़्लाइट में 2 घंटे बाकी हैं, तो आप एयरपोर्ट पे वो रैप करवाने के चक्कर में लाइन में लगी हुई हैं और वहाँ पे आपको लग जाता है 1.5 घंटा फ़र्ज़ करें, और पीछे रह जाता है आपका आधा घंटा फ़्लाइट में, तो आप कैसे वो इमिग्रेशन और कस्टम और ये सारे मामला कैसे क्लियर करके अपने जहाज तक पहुँच पाएंगी। इसलिए आपने अपने होटल से खुद करना है, ठीक है, तो इस आसानी के साथ इंशाल्लाह ताला आपका सफ़र होगा, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।